हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोचा सिस्टर डे। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, क्लास सिक्स की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, और आपको बता दें, हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो चीजें हमें एक्सरसाइज में नहीं मिल पाती हैं वो हमें चैप्टर में मिलती हैं। तो चैप्टर जब हम पढ़ाते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक करते हुए चलते हैं। वो वाली पीडीएफ आपकी सारी की सारी बुक्स, और जो हम आपको सॉल्व करा कर देते हैं, ये सारी की सारी पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए ये हैं, तो और साथ में प्रिंटेड नोट्स की, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। चाहे तो जोजस स्टडी इस चैनल का नाम डाल दोगे तो भी तुरंत ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज, और हाँ, एक और बात है, आप लोग कहते हैं कि ऐप नहीं मिल रहा, ऐप नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी लिंक दी गई है। आप यहाँ से हर लिंक से जहां जाना चाहो वहां पहुंच सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। रेखाखंड, जैसे कि ये हम इस तरीके से हम दो रेखाखंड खींच रहे हैं, ठीक है, हमने दो रेखाखंड खींची हैं। अब हमने तो बिना नाप के दो रेखाखंड खींची हैं, हमको दिखने में दोनों ही बराबर लग रही हैं, पर हम जब इनको स्केल से नापेंगे तो कुछ तो फर्क होगा। हालांकि हमने कह दिया है कि ये दोनों बराबर लग रही हैं, पर जब हम स्केल से मापेंगे तो कुछ तो फर्क निकलेगा ही। मतलब, और इस तरीके की रेखाएं हो, एक रेखा इतनी छोटी है, दूसरी रेखा जो है वो इतनी बड़ी है, हम आराम से कह सकते हैं कि ये देखकर ही बता सकते हैं कि ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है। पर जिनमें कुछ फर्क होता है, कुछ मिलीमीटर का फर्क होता है, उनमें हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि हाँ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मतलब रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि हो रही है, यही हमारी हानि हो रही है कि रेखाखंड को देखकर तुलना करने से उनमें त्रुटि हो सकती है, ठीक है। तो यही बात जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखाखंड, और रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, और किरण क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताई हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रेखाखंड की को, यहाँ पे को की जगह पे आप की लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रेखाखंड की तुलना सिर्फ देखकर करने से माप में त्रुटि हो सकती है। क्या हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, ठीक है। माप में क्या हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। त्रुटि का मतलब क्या होता है कि मतलब त्रुटि का मतलब होता है गलती हो सकती है, क्योंकि हमारा अंदाजा गलत निकल सकता है, क्योंकि कभी कभी अंदाजा गलत हो सकता है, अंदाजा गलत हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अच्छा होता है। अब डिवाइडर क्या होता है, इस तरीके से आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, इस तरीके से एक हमारा प्रकार की तरह होता है। प्रकार में एक तरफ हमारी नोक होती है, ठीक है, और एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, पर डिवाइडर जो होता है उसमें दोनों तरफ नोक होती है। और रूलर क्या होता है, जो हमारी स्केल होती है वही हमारा रूलर होता है। अब ये कह रहे हैं रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से माप करना अच्छा क्यों है। ऐसा इसलिए कि जब हमने कोई रेखा खींची, ठीक है, मान लो हमने कोई रेखा खींची, ठीक है, अब ये रेखा जो खींची है हमारी, मान लो 8.3 की है। अब हम डिवाइड 8 पॉइंट, ये पॉइंट में है, मतलब कुछ मिलीमीटर भी है इसमें है, तो हम जब स्केल से मापते हैं तो हमें कभी कभी ये मिलीमीटर जो है पहचाने में थोड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पास में होते हैं, तो इनमें कुछ फर्क हो सकता है। पर जब डिवाइडर को एक इसकी नोक यहाँ पे रखते हैं, एक इसकी नोक यहाँ पे रखते हैं, तो इस चीज को आसानी से मापना जो होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम आंसर क्या लिख देंगे, या हम यहां पे लिख देंगे कि एक रेखाखंड को रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से
मापने में सटीक माप आती है। क्या आती है? सटीक माप आती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर थ्री। जो है वो कह रहा है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच में स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। फिर कह रहे हैं क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। फिर इन्होंने एक टिप्पणी दी है, उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा, यदि किसी रेखा पर ए बी सी बिंदु इस प्रकार है कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, तो निश्चित रूप से सी जो है बी के ए बी के बीच में स्थित होगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, ए बी रेखाखंड खींचो। तो हमने क्या किया है, एक रेखा खींच ली ए बी। ठीक है, मान लो ए बी रेखाखंड जो है वो हमने कितने की खींची, 8 सेंटीमीटर की हमने खींच ली। फिर उसके बाद इन्होंने कहा इसके बीच में कोई बिंदु लीजिए सी, तो इसके बीच में हमने एक बिंदु सी ले लिया है। अब ये कह रहे कि सबकी लंबाई नापिए। मान लेते हैं हमने ए बी की लंबाई नापी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। ए बी की जब हमने लंबाई नापी तो कितनी निकल गई, 8 सेंटीमीटर निकल आई। फिर हमने ए सी की लंबाई नापी, मान लो ए सी की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो हमने ए सी की लंबाई माप ली, कितने निकल के आई है, 2 सेंटीमीटर निकल के आई। फिर हमने सी बी की, ये सारा रूलर से करना है, स्केल से करना है। जब आपने सी बी की लंबाई नापी तो ये कितने की निकल के आई, ये 6 सेंटीमीटर की निकल के आई। अब ये कह रहे थे क्या ऐसा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो ए बी की लंबाई 8 थी, ए सी की लंबाई हमने कितनी नापी थी, 2 नापी थी, और सी बी की लंबाई हमने 6 मापी थी। अब 8 बराबर 8 तो आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। इस तरीके से हम ये प्रूव्ड कर देंगे। ये प्रूव करने को बोला था तो हमने ये इसको प्रूव्ड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। ये कह रहा है, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे इनमें से कौन सा बिंदु अन्य बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो ए बी इन्होंने क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी जो है इन्होंने क्या कहा है, 3 सेंटीमीटर है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, बी कॉमन है ना। तो सिंपल सी बात है, जो कॉमन होगा वही बीच में होगा फिलहाल। लेकिन हमें आपको करके बताना है, हमने तो आपको एक ट्रिक बताई थी कैसे पता करेंगे। ठीक है, और ए सी जो है इन्होंने कितनी बताई थी, 8 सेंटीमीटर की बताई थी। अब इन तीनों रेखाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, वही हम खींचेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा जो है ए सी है, तो ए सी ही हमने खींच ली। ठीक है, एसी को ही हमने खींच लिया इस तरीके से। ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, एसी को हमने खींच लिया। अब हम इन्होंने क्या कहा कि बताना है भाई, एसी की लंबाई इन्होंने कितनी बताई थी, 8 सेंटीमीटर बताई थी, 8 सेंटीमीटर खींच ली। फिर इन्होंने कहा ए बी खींचो, फिर ए बी मान लो हमने यहां तक खींच ली, ए बी जो है वो हमने खींच ली जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बीसी भी खींच ली, बीसी हमारी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, तो हमने 3 सेंटीमीटर एसी भी खींच ली। तो अब टोटल मिला के हमारा 8 सेंटीमीटर आ रहा है। इन्होंने कहा बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, तो बीच में हमारा बी बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये खींच दी है। तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, क्योंकि बस इन्होंने हमसे इतना ही कहा था कि बीच में कौन सा पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसी के बीच में बी बिंदु है। बस हमारा आंसर हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है, हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया। ठीक है, इतना काम जो है वो आप जरूर कर दिया करो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है।